जब से सलाय मूवी का टीज़र रिलीज हुआ है तब से ऐसा लग गया है कि यार कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है सलाय और KGF में, और बहुत सी पॉसिबल थ्योरीज भी सामने निकल के आई है जिससे सलाय और KGF को जोड़ा जाया है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल VG Info पर, और आज हम डिस्कस करने जाए वो सारे पॉसिबल कनेक्शंस जो KGF और सलाय के टीज़र देख के सामने आए हैं, और भी बहुत सी हिडन डिटेल्स सलाय के टीज़र को देख के। तो बने आइए दोस्तों एंड तक इस वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो यार एक लाइक जरूर करके जाएं, और ऐसे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे YouTube चैनल VG Info को। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना वीडियो। सबसे पहले जो हिडन डिटेल या कनेक्शन बताया जाया है KGF और सलाय को लेके, वो सलाय के रिलीज टाइम पर बताया जाया है। सलाय के टीज़र के रिलीज टाइम पर बताया जाया है कि जिस तरीके से ये समझ नहीं आया था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था, उसी तरीके से ये समझ नहीं आया कि सलाय के टीज़र को 5:12 पर ही क्यों रिलीज किया गया। रुको जरा, सबर करो। सो दोस्तों, इसको लेके 2 से 3 पॉसिबिलिटीज निकल के सामने आई है। कि सबसे पहले तो ये बताया जाए कि KGF मूवी में जब रॉकी भाई शिप में होते हैं तब वहाँ पर 1 क्लॉक में 5:03 समय होया होता है, तो ऐसा बताया जाए कि उसके आसपास का टाइम लेके इस टीज़र को रिलीज किया गया है। और दूसरी बात ये बताई जा रही है कि लोगों में सस्पेंस और ट्रेलर को लेके एक्साइटमेंट के लिए ये टाइम चूज़ किया गया। और थर्ड रीज़न ये बताया जाए कि माइट दे हैव रिलीज द टीज़र एट 5:12 बिकॉज ऑफ शुभ मुहूर्त। सो ये 3 पॉसिबल रीजन्स हैं कि टीज़र को 5:12 पर क्यों रिलीज किया गया। सो दूसरी हिडन डिटेल या कनेक्शन जो बताई जा रही है KGF और सलाय को लेके, वो है सलाय की मूवी के नाम को लेके, दैट सलाय इज़ यूज टू डिस्क्राइब द राइट हैंड मैन, या ऐसा भी बोल सकते हैं राजा का सबसे ट्रस्टेड पर्सन, द राइट हैंड ऑफ किंग, जिसको KGF से जोड़ा जाए कि रॉकी भाई इज़ द किंग एंड सलाय मस्ट बी द राइट हैंड ऑफ रॉकी भाई। तीसरी हिडन डिटेल या कनेक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जब से सलाय का टीज़र रिलीज हुआ है एक पिक सामने निकल के आई है जिसमें ये पता लगा है कि सलाय की शूटिंग सेम प्लॉट पर हुई है जहाँ पर KGF की शूटिंग हुई थी। KGF चैप्टर 2 में पोस्ट प्रोडक्शन सीन में सेम बिल्डिंग सेम प्लॉट जो सलाय के टीज़र में देखने को मिल रहा है। अब इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो सही में सलाय का KGF से कनेक्शन है, नहीं तो डायरेक्टर ने उस प्लॉट को यूज़ किया है सलाय मूवी के लिए। नंबर 4 जो कनेक्शन निकल के आया है कि KGF चैप्टर 2 में फरमान को मरता हुआ नहीं दिखाया था। जब अधिया और फरमान में फाइट हुई थी तब फरमान को मरता हुआ नहीं दिखाया था, और जब रॉकी भाई फरमान की माँ के सामने लाश लेके आए थे उस सीन में भी फरमान को मरता हुआ नहीं दिखाया था। और मूवीज़ एंड वेब सीरीज में ऐसा बोलते हैं कि जब तक किसी को मरता हुआ नहीं दिखाया जाए वो वापस भी आ सकता है। बात तो सही है। तो ये चीज़ सामने निकल के आई है कि फरमान ही सलाय है, और अगर ऐसा हो गया तो हमें रॉकी भाई और सलाय एक साथ देखने को मिलेंगे। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? पर इस थ्योरी में एक इशू निकल के सामने आता है कि रॉकी भाई और फरमान के बीच एज गैप बहुत ज़्यादा है, तो अगर फरमान ही सलाय है तो उस हिसाब से तो रॉकी भाई को ये मूवी कैसे रिप्रेजेंट करेगी, वो थोड़ा इशू सामने निकल के आता है। या फिर फरमान जिंदा तो है पर सलाय नहीं है। नंबर 5 जो कनेक्शन निकल के आया है सामने सलाय के टीज़र को देख के, कि सलाय के टीज़र में जो फाइट सीन्स दिखाए जा रहे हैं, डायलॉग्स एंट्री, और जिस तरीके से बैकग्राउंड दे रखा है, हर तरीके से कुछ ना कुछ कनेक्शन तो लग गया है KGF से। एंड कनेक्शन नंबर 6, डायरेक्टर से लेके कास्ट एंड क्यू मेंबर्स सब सेम है सलाय और KGF मूवी में, तो भाई कनेक्शन तो हमें देखने को मिल सकता है, पर नहीं मिला तो हम सबका पोपट भी होने वाला है कुछ ज़्यादा ही सोचने के लिए। और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ये कंफर्म हुआ है कि सलाय के 2 पार्ट रिलीज किए जाएंगे। सबसे पहले जो पार्ट रिलीज हुआ है उसका नाम है सीज फायर, जिसका सीधा सीधा ये मतलब है कि 2 ग्रुप्स या 2 पार्टीज़ या 2 समूहों में लड़ाई ना करने के लिए समझौता होना। अब वो तो मूवी के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा कि ये 2 पार्टीज़ कौन है। तो इन दी एंड अगर मैं समराइज करूँ तो बहुत से ऐसे हिंट मूवी के डायरेक्टर ने हमारे लिए छोड़े हैं जिससे हम KGF को सलाय मूवी से कनेक्ट करें हैं। पर ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी मूवी को हाइप दिलाना हो तो उसके ट्रेलर में कुछ ऐसे हिंट छोड़ दो जिससे लगे कि ये मूवी इस सुपरहिट मूवी से कनेक्टेड है। अब क्या सच है क्या झूठ है ये तो हमें मूवी जब रिलीज होएगी तभी पता चलेगा। और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या सही में KGF और सलाय कनेक्टेड है,
या डायरेक्टर सिर्फ मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन करने के लिए ऐसा कह रहे हैं, पर पर्सनली मुझे तो ऐसा लगा है कि कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है बाबू भैया, नहीं तो इतने सारे हिंट नहीं छोड़े जाते। सो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।